गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो हर दिन की तरह। आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज नाश्ते में क्या बनेगा? कल बने थे फूल गोभी के पराठे, तो आज पत्ता गोभी की बारी है और पत्ता गोभी की बहुत टेस्टी इजी वाली सब्जी बनेगी। चलो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। एकदम फ्रेश है ये पत्ता गोभी। इसका पहला वाला जो पत्ता है ना, वो सारा मैंने हटा दिया है और इसके बाद जो अंदर है उसमें दो हिस्से कर लिए हैं, हाफ लिया है। इसको पतला पतला नाइफ से कट कर लेते हैं। बस इस तरीके से आप किसी भी जैसे नाइफ से या ग्लास से भी, बहुत लोग ऐसे ऐसे करके काट लेते हैं, वो भी अच्छी स्टाइल है, जल्दी कट जाता है और एकदम जितना बारीक काट लो। अब इसमें मैंने लिया है 1/4 कप फ्रोजन हरी मटर, जो कि मैंने स्टोर करके रखी है, और मटर और पत्ता गोभी को गुनगुने पानी से धो करके साइड में छन्नी में निकाल के रख लिया है ताकि उसका पानी झड़ जाए। इसके लिए हरी मिर्ची, हरा धनिया और एक टमाटर भी काट लिया है। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल करके गरम किया। 1 चम्मच डाले हैं जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 टमाटर और इसी के साथ नमक डाल दिया है और इन सबको मिक्स कर लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए, नमक डाला है ना तो मिक्स करने से तुरंत सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब ये धुली हुई पत्ता गोभी और हरी मटर डाल करके मिक्स कर लिया है। मैंने आलू नहीं डाला है और मैं हमेशा आलू नहीं डालती हूँ, पत्ता गोभी मटर ही बनाती हूँ। आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, हमारे यहाँ बच्चे फिर वो आलू साइड में करते रहते हैं। फूल गोभी के साथ आलू डालती हूँ, बंद गोभी में सिर्फ मटर। अब इसे ढक करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने 2 ये मोटी वाली हरी मिर्ची को पीसेस कट किया है और 1 प्याज को छोटा बारीक काटा है। 1/2 कप लिया है बेसन, हल्दी पाउडर, अजवाइन, नमक, मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज। इसमें ना एकदम छोटी छोटी बारीक कट के प्याज डाली है और छोटी छोटी ये मोटी वाली हरी मिर्ची कटी हुई डाली है 2, 1/2 सारा ताज़ा हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल और पानी डाल करके इसको बैटर तैयार कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक बार की नहीं। जो बैटर है वो बहुत गाढ़ा सा नहीं चाहिए और बहुत पतला नहीं चाहिए, प्याज एकदम छोटी छोटी सी चाहिए। और इसमें चुटकी भर डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डाल करके मिक्स कर लेंगे, जिससे ना पकौड़े बहुत अच्छे फूलते हैं। इसलिए ज़्यादा सोडा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना। ये जो पकौड़े बनते हैं, भजे बनते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं और फूले फूले से होते हैं। यहाँ पर मैंने ढक के रखी थी पत्ता गोभी, अच्छे से पक चुकी है, खुला करके कुछ देर अच्छे से भून लिया। और जब पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है तब इसमें लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर दिया। तो पत्ता गोभी मटर की ये सूखी सब्जी तैयार, और गैस बंद कर दिया, सब्जी को हमने ट्रांसफ़र कर लिया एक हांडी में। और अभी जब विंटर्स में जब मटर आएगी ना, तब इस सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा, तब ताज़ी मटर के साथ ये खाने में और ज़्यादा अच्छी लगती है, मिठास रहती है। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है और ये जो मैंने बैटर तैयार किया है इसके छोटे छोटे से भजे बनाएंगे। ये भजे खाने के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर जब थाली बनाई जाती है ना लंच टाइम पर, तो बहुत लोग पसंद करते हैं, तो घरों में ये बनाया जाता है। इसमें प्याज एकदम बारीक रहती है और मोटी वाली हरी मिर्ची रहती है जो कि तीखी नहीं होती है, खाने में अच्छी लगती है। और जितने छोटे छोटे से मंगौड़ी जैसे बनते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉप करते हैं कढ़ाई में भीगे हुए से रहे, फिर उनको हिला दिया और एक मोटी हरी मिर्ची जो थी उसको बीच में से काट करके भी फ्राई कर लिया। इन भजे के साथ ये फ्राई वाली मोटी वाली मिर्ची जो कि तीखी नहीं होती है, ये सूखी खाने में बहुत अच्छी लगती है, फ्राई फ्राई सी, और साथ में ये भजे, इसको भजे ही कहते हैं महाराष्ट्र में। और ये छोटे छोटे से गोल गोल मंगौड़े जैसे रहते हैं, लेकिन इसमें ना फूला फूला जो ये बेसन रहता है और बहुत छोटी छोटी सी प्याज होती है, सफ़ेद तिल, जीरा, अजवाइन, इनका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और खाने के साथ में अच्छे लगते हैं ये। तो इसीलिए आज इन शुभम को और उनके पापा को खाना था, संडे का दिन हो और सुबह नाश्ते में कुछ स्पेशल ना बने, रोज़ से पराठा सब्जी जैसा ना रहे, इसलिए उन लोग की फरमाइश में बनाए गए हैं ये भजे। और 1-2 बैच छोटे छोटे से करके, छोटे छोटे बैचेस में मैंने ऐसे इतने से जो बनाया ना बैटर, इसमें इसको ही मैंने 3 बार करीब, शायद 3 या 4 बार छोटे छोटे से बैचेस में फ्राई किया है। इसलिए छोटे छोटे बैचेस में कि वो पूरा अच्छे से फूल जाएँ, पकौड़ियाँ सी छोटे छोटे सी भजे, और ये बाहर से करारे होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब मैंने लिया 2 कप गेहूँ का आटा, ये है अगारो का स्टैंड मिक्सर। इसके पॉट में डाला आटा और नमक डाला थोड़ा सा, डो हुक लगाया और फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ ताकि एकदम से गीला ना हो जाए, और बस स्टार्ट कर दिया।
तो जो काम मिनटों में हो जाएगा। तो आज जब ब्रेकफास्ट में बनाने थे पत्ता गोभी मटर की सब्जी और पराठे, फिर वही वो बोले थोड़े से गरम गरम भजे बना लो इसके साथ में, तो मोटी वाली मिर्ची आई हुई थी, इस मोटी मिर्ची के अच्छे लगते हैं भजे, इसलिए मैंने भजे तले और अब पराठे सेक के जाएंगे। आटा को बहुत गीला नहीं रखती हूँ मैं पराठे के लिए, सॉफ्ट सा रखते हैं, जितना अच्छा सा मल जाए गुथ जाए तो फिर वो पराठे तुरंत भी आप बनाएंगे ना तो नरम रहते हैं। आप चाहो तो एक चम्मच घी या तेल भी लगा सकते हो। और ये आटा गुथ गया, इसे मैं हमेशा किसी भी कंटेनर में भर के रखती हूँ ढक कर के, जिससे ऊपर की जो लेयर है वो सूखे ना हो, यानी आटा ड्राई ना हो, नरम बना रहे। तो ये इकट्ठे कर लिया ब्रेकफास्ट के लिए या फिर लंच के लिए, इकट्ठे एक बार सुबह में गूँथ लिया कि फ्री हो गए। और पराठे बना रही हूँ ट्रायंगल, जिसके लिए एक बॉल लेकर के प्लेन चपाती बनाकर थोड़ा सा घी या तेल पूरी चपाती पे लगाकर सूखा आटा डस्ट करके फिर एक बार फोल्ड फिर डबल फोल्ड करके ये ट्रायंगल पराठा सिक गया बिल गया और तवे पे डाला और एक के बाद एक सेकते चले जाएंगे। पत्ता गोभी की सब्जी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम। अक्सर ही मैं बच्चों को टिफ़िन के लिए यही सब्जी और पराठा देती हूँ। अब आज संडे है तो भी वही हो गया, क्योंकि संडे के तो है लेकिन ड्यूटी के लिए भी जाना रहता है ना, उन लोग का संडे वनडे कुछ भरोसा नहीं है, तो यही रहता है सुबह हैवी नाश्ता हो गया, इसके बाद कभी भी जाना हो ड्यूटी के लिए तो जा सकते हैं। और रहे घर पे, नहीं गए बाई चांस तो एक अलग बात है, फिर तो घर में चॉइस है कि अपना दाल रोटी बन जाए या चावल बन जाए, दाल चावल, तो इसलिए सुबह का पूरा नाश्ता रखा जाता है हमेशा कि कुछ हैवी सा रहे, फिक्स नहीं रहता ना। शुभम का तो ये है कि उसे घर में रहना है, उनके पापा का फिक्स नहीं रहता। और बस पराठा और ये भजे बन रहे हैं, ये शुभी को बहुत पसंद है, उनको हमेशा क्या बोलती थी वो, नगेट्स बनाओ नगेट्स छोटे छोटे से, वो अभी भी मूंग वाले भी बनते हैं ना भजे, उनको भी नगेट्स ही बोलती है। और जैसे प्याज के आज ये बने ना बेसन वाले बैटर में, ठीक वैसे ही सारे इंग्रेडिएंट के साथ बेसन की जगह आप मूंग दाल का बैटर ले सकते हैं और ये छोटे छोटे से ड्रॉप करें भजे, बहुत अच्छे लगते हैं। और लेकिन ये मिर्ची खाने में तो वाकई बहुत मज़ेदार लगती है, तीखी नहीं होती लेकिन फिर भी खाने में स्वाद देती है, अच्छी लगती है ये फ्राई मिर्ची। ज़्यादातर बात करते हैं हम लोग लड़कियों के बारे में, बच्चों के बारे में, बेटों के बारे में कोई बात करता ही नहीं, यूं कह लो मुझे लगता है कि कई बार लोग सोचते भी नहीं हैं। जबकि आज के समय में जो बाहर की दुनिया है, जब हम लड़कियां बाहर निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बाहर की दुनिया में क्या है गलत, कितनी है परेशानियां। तो जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं तब समझ में आ रहा है कि जो लड़के हैं हमारे बच्चे हैं वो भी तो बाहर निकलते हैं, उन्हें दूसरी तरीके की परेशानियाँ, लेकिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लड़के हैं वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, अपने मन की बात, जहाँ तक इमोशनल फीलिंग्स की जो बात होती है, अपने इमोशंस दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, ना वो मदर के साथ, ना सिस्टर के साथ, ना भाइयों के साथ, ना ही बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके दोस्तों को भी नहीं पता होता उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो उनके अंदर ये पावर दी गई है ऊपर वाले ने या फिर हम समाज में ऐसी बना दी गई है कि वो अपने मन में ही मन में रखेंगे। होता क्या है, मैंने अभी बहुत बार इस बारे में सोचा काफ़ी, तो मैंने सोचा कि ये बात है और इस वजह से ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सोचा और देखा वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स होते हैं कि लड़कों को भी परेशानी होती है, जिन बेटों की माएँ हैं उनको लगता है कि बेटों के साथ भी बहुत सी उलझनें और परेशानियाँ। बिल्कुल सही, तो मैं भी एक बेटे की माँ हूँ तो मैंने भी महसूस किया इन चीज़ों को। होता क्या है, जब बच्चा पैदा हुआ 6 महीने 8 महीने 10 महीने या कि यूँ कह लो कि 6-7-8 साल तक, लड़का हो या लड़की, माँ से बिल्कुल चिपक के रहेंगे, माँ के साथ बिल्कुल एक समान रहेंगे बच्चे, लड़का या लड़की 8 साल तक की उम्र में, 7-8 साल तक के बच्चे बिल्कुल ऐसे सोएंगे तो माँ के साथ चिपकेंगे, पुच्ची प्यारू दिन भर शुरू रहेगा, बराबर लड़के को भी और लड़की को भी। अच्छा 8-10 साल बाद क्या होता है, लड़के को एक डिस्टेंस बना दिया जाता है खुद से ही दिमाग में, बना बनाते दूर रहो दूर रहो दूर रहो, दूरी बना ली जाती है। बेटों को ही या दूसरों को देख करके ही उनको लगता है कि इस तरीके से चिपकते नहीं है, मम्मी के साथ ऐसे बात नहीं करते, हर बात मम्मी से कहते नहीं। जबकि लड़कियों को देखो 8 साल तक जैसा लड़का लड़की समान रहा, लेकिन 10वीं 12वीं उम्र की जो बच्चियाँ होने लगती हैं माँ के और क्लोज होने लगती हैं, जब उनके टीन एज का समय आता है माँ उनसे डिस्कस करती है, वो उनसे डिस्कस करते हैं, चाहे वो के बारे में वो खुद से बताते हैं, चाहे बच्चियां पूछती हैं अपने जो एक्सपीरियंस बाहर की दुनिया में, जो उनको क्रश है, जो उनको मतलब कुछ भी है जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मम्मी से बताती हैं लड़कियां। इसीलिए मम्मी से बच्ची हमेशा लड़कियां
क्लोज रहती हैं क्योंकि वो उनको बताती रहती हैं, फिर मम्मी अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करती रहती हैं। तो मम्मियों के साथ बेटियों का जो रिलेशन है ना, इसी तरह अगर लड़कों का भी ताउम्र चलता रहे तो आपने देखा होगा और आप खुद भी नोटिस करोगे। मैं 2-3 ऐसे उदाहरण दूंगी तो आप सोचोगे इस बारे में कि हाँ ऐसा है। लड़के को तो 8-10 साल बाद डिस्टेंस बना दिया जाता है। अब वो दूर हो गया तो वो देख रहा है कि मम्मी और दीदी या जो भी बहन है वो माँ के साथ क्लोज है, बात करिए। पापा के साथ तो वैसे भी 10 फुट दूर रहते हैं बच्चे, पापा लोग ही रखते हैं या उन्हें नहीं मिला बचपन से वो चीज़ की साथ की बच्चों से पूछे हाल चाल। तो वो तो वही परंपरा चली आ रही है क्योंकि जो उनके साथ हुआ है उन्हें जो पता है परवरिश का मतलब वही उनको पता है। अब बच्चे माँ के इर्द गिर्द है लेकिन माँ बेटी के साथ क्लोज है, बेटी सब बता रही है और बेटा संकोच कर रहा है शुरू के 2-4 साल। वो भी तो टीन एज में आया, उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। अगर वो माँ के साथ शेयर करे या नहीं भी कर रहा, अगर माँ उससे पूछे ही छेड़छाड़ के ही कुछ भी, तो 2-4 शब्द बोलेगा, कहेगा अपने मन की बात, तो वो धीरे धीरे फिर खुलने लगते हैं। अभी भी बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा, ब्याह हो गया तब भी वो भले मॉम बॉय कहलाएंगे, मम्मा बॉय कहलाएंगे, लेकिन वो माँ के साथ ऐसे बगल में खड़े मिलेंगे आपको, हर बात बताएंगे मम्मी को अपनी। क्यों? क्योंकि वो शुरू से करते चले आ रहे हैं, उनको दूरी बनाई नहीं गई, उनको वही मम्मी के साथ लेटना बैठना बातें करना चिपकना। और जैसे लड़की के साथ है सेम वैसे ही अपना, आज ये हुआ आज वो हुआ, या ये लड़की मुझे अच्छी लगी या वो लड़की मुझे अच्छी लगी, मुझे ये चीज़ लड़कियों में बहुत बुरी लगती है या मुझे लड़की की ये चीज़ अच्छी लगती है, वो शेयर करते हैं। इसी तरह से लड़कियां वो सब बताती हैं, मुझे ये लड़का अच्छा लगा, ऐसा है, मुझे ऐसे लड़के पसंद है, ऐसे, क्योंकि वो शुरू से बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा है या सुना है मैंने कि उनका बहुत ही शान से ये कहना होता है, हमारा लड़का तो हमसे कभी कुछ कहता ही नहीं। अच्छा, दूसरा कोई उनको परेशानी बता रहा है उनके लड़के की, हमारे लड़के ने तो कभी हमसे कहा नहीं, उसकी तो आदत ही नहीं कुछ भी कहने की। अरे तो यहाँ पर आप गलत हो, आपकी कमी है, आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए अगर वो नहीं बता रहा है तो, और बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा रिश्ता रखना चाहिए आपको, 4 बार बच्चे से पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई मनुष्य अवतार में है ही नहीं कि ईश्वरीय अवतार मिला हो इस युग में कि उसको कोई भी परेशानी नहीं होती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, तो मनुष्य ही ना, इंसान ही है ना, बाहर की दुनिया में तो सबका आना जाना है। और देखो, लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है तो माएँ पूछती हैं ससुराल कैसी है, ससुराल में कैसे हैं लोग, कैसे हैं। लड़की खुद से बताती है बिना पूछे, ना भी पूछे कि ऐसा ऐसा होता है उनके घर में, उनके घर का ऐसा रहन सहन है, उसका ऐसा खान पान है, ऐसी रिवाज है, उनके यहाँ ऐसा चाल चलन है, ऐसे लोग बोलते हैं करते हैं, बताती है ना। लड़का जाता है नौकरी के लिए तो उसको ये बताता है अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई, मतलब तुम्हारी लॉटरी लग गई, अब तो मतलब हम आज़ाद हैं। उससे बहुत से लोग ऐसे पूछते तक नहीं कि तुम्हारी नौकरी में तुम जाते हो तो वहाँ करते क्या हो, कहाँ जाते हो, कितने बजे जाते हो और कितने बजे आते हो, तुम खाते कब हो। लड़की तो देखो पूछ जाता, और बेटा खाना खा लिया तुमने, खाना हो गया तुम्हारा, क्या बनाया क्या खाया। अच्छा, लड़के का नौकरी लग गई तुम्हारी, अब नौकरी लग गई, कुंवारा है तो ये लॉटरी लगेगी कि शादी होगी, बढ़िया नौकरी लग गई है, उस शादी होगी बाहर चले गए, अब वही नौकरी कर रहा है लड़का, अब क्या पूछने की ज़रूरत है हाल चाल। लड़के ने फ़ोन कर लिया तो बात हो गई, नहीं किया तो कोई मत ही, और कोई बात नहीं, नहीं जब लड़के ने किया तो शिकायत की, तुमने अब फ़ोन किया है तुम्हें अब फुर्सत मिली है तुम्हें अब याद आई है। अरे जो इंसान घर से बाहर निकला है, मतलब लड़की तो एक दूसरे घर जाती है, वहाँ तो राज भी तो करती हैं लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ उस दूसरे परिवार में गई तो एक घर होता है, एक शेड होती है, एक खाना पीना, एक परिवार में जाती हैं, भरे पूरे परिवार में जाती हैं। लड़का कहाँ जाता है नौकरी के लिए? परदेश। जो परदेश का वर्ड क्या होता है? एक दूसरे देश, एक दूसरे स्टेट, एक दूसरे शहर, जहाँ अटैची लेके जाते हैं लड़के अमूमन, उनको तो गृहस्थी भी नहीं दी जाती है, लड़कियों को तो फिर भी गृहस्थी दी जाती है, वो अटैची लेके निकल लेते हैं क्योंकि भाई नौकरी लग गई है, आएगी पेमेंट तुम्हारी। तो ये चीज़ जो डिस्टेंस होती है ना, फिर अब जो नौकरी में चला गया लड़का, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, तुम उन लड़कों से बोलो कि तुमने अपने घर में ये बात बताई, इतनी बड़ी परेशानी, तो क्या फ़ायदा बताने से उनको कुछ, मतलब क्या फ़ायदा बताने से उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको ना समझना है इन चीज़ों को, उसकी परेशानियों को, ना पूछना है और वो खुद से बताए तो ना उसको महसूस करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये गलत है। फिर लोग क्या कहते हैं, लड़कों को, लड़के तो रोते ही नहीं है, उनके बाप भी मर जाए तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलता। मतलब कहने का ये कि वो उनको न रोने का हक है, न उनको अपने कष्ट बताने का हक है, उनको तो बना देगा लड़का है, उसको क्या है, वो तो बारिश में भी है तो क्या दिक्कत है, धूप में भी अगर 10 घंटे खड़ा है तो क्या, लड़का है नौकरी के लिए सब तो करना ही पड़ेगा। लड़की के पसीना बह रहा हो, खाना बना रही हो, बात कर ले माँ से कि आज इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ, फिर देखो माँ को ऐसे लगेगा हाय राम, इतनी गर्मी में बेचारी को हमारा ये काम करना पड़ रहा है। तो जब आपके संतान है
लड़का और लड़की, तो आप शुरू से ही ऐसा रखो। मेरा शुभम इतना लंबा भी हो गया है, मेरे से बड़ा हो गया है, पर मुझे कभी लगा ही नहीं, जब मैंने इस विषय में बात करना चाहा, आप लोगों से बोलना चाहा, तो मैंने मतलब मैं खुद कह रही हूँ, पहले मैं कहूँगी तब तो मैं आपको बीच ही समझाऊंगी, मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं की अभी तक की उम्र में कि शुभम हमारा मतलब लड़का है, तो अब वो अभी, और जबकि मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं ये भी सोच रही थी कल कि देखा जाए तो शुभी से ज़्यादा अफेक्शन या प्यार मेरा शुभम को मिलेगा, मिला है और मिलेगा। कारण शुभी 10th के बाद बाहर चली गई थी, जितने समय तक थी, शुभम 12th तक मेरे साथ है, अभी आगे जब चला जाए तो चला जाए, नहीं 2 साल शुभी से ज़्यादा। दूसरा ये कि जब शुभी हुई तो शुभम हो गया, और जिस समय जो मेरी त्रासदी थी, जो मेरी मेंटल हालत थी शुभी के होने के बाद, जितना भी मेरा ट्रॉमा था वो मैंने शुभी के ऊपर निकाला, शुभम को तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, यानी कि शुभम के समय तक मेंटल जो स्थिति थी वो नॉर्मल हो गई थी। और दूसरा ये कि यार मैं उस फ्लैशबैक में जाना ही नहीं चाहती, मतलब जब शुभम हुआ तब तक थोड़ी जो भी परेशानियां थी उनको मैं समझ चुकी थी, उनको मैंने हैंडल करना सीख लिया था, तो शुभी को जब शुभम आया तो शुभी को वैसे भी दूर करना पड़ा, मतलब शुभी जन्म के बाद 1 साल तो सिर्फ मार खाती रही, और 2 साल तक जब शुभम हुआ तो उसको दूर किया कि वो छोटा भाई है, अब उसकी हमें केयर करनी, यानी कि 3 साल तो पहले ही शुभी मेरे से दूर हो गई, कंट्रोल किया, देखो मैंने अब आ रही है कंट्रोलिंग पावर, इसे मैच्योरिटी दिए थे उम्र के साथ कि कैसे इमोशंस को रोकना है और कैसे पीना है आंसुओं को। तो शुभी को 3 साल पहले ही दूर हो गई थी, मुझे ऐसा अब याद आता है और मैं महसूस करती हूँ, भाई जब शुभी हुई तो साल भर तक मारपीट चलता रहा उसके प्रति, और जब शुभी के बाद जब शुभम हुआ तो फिर वो दूसरा बच्चा आ गया तो उसको दूर कर दिया गया, तो शुभी तो 3 ही साल से दूर ही थी, और ये 2 साल और समझ लो, तो शुभी तो कम अटैचमेंट में है, शुभी को दूर सो जाने की आदत है, अगर वो मेरे साथ बेड में लेटी भी है तो वो अगर तकिया है सर रखा सो गई, सच में। शुभम को तो अभी भी अगर सोना है, अगर वो मेरे बगल में है, मम्मा थोड़ा सा हाथ ऐसे कंधे में हाथ रख लो, क्योंकि उसको वही वैसे ही सोने की आदत है, आज तक वो बगल में सोया है ये चीज़ है, दिन भर में वो स्कूल से आए जाए घर में रहे, एक बार उसको पुच्ची प्यारू चाहिए, मतलब कहने का कि वो अभी दूर हुआ नहीं। और ये चीज़ अगर ये जो करीबी रिश्ता है, हर चीज़ बच्चे से पूछना और बच्चे की हर चीज़ समझना, उसको जब पहली बार से मतलब बाल वाल आए थे तो मैंने उसको बोला कि तुम ये ऐसे कर लो, उसको जो भी मतलब बताना है ना मैंने उसको बोला, अभी भी कपड़े पहनना हो मैं कौन से पहनूं, ये मुझे चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम, मतलब हर चीज़ वो मेरे से पूछता और मैं उसको बताती हूँ, हर चीज़ उसको मेरे से पूछना होता है, तो जैसे शुभी पूछती है, तो वही चीज़ है, ये चीज़ अगर कंटिन्यू रहेगी ना तो ये बड़ा भी हो जाएगी, नौकरी के भी जाएगा तो पहले दिन की खबर मुझे बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, या मेरे बॉस मुझे इस बात में परेशान कर रहा है, या मेरे ऑफिस में मुझे ये परेशानी है, या ये जॉब में मुझे इतनी तकलीफ है, या ये चीज़ मैं बाहर में फेस कर रहा हूँ जो कि मुझे ये नहीं करके, तो हम उसका कोई ना कोई उसके लिए हल निकालेंगे। तो ये बच्चे के साथ भी होता है, और उसके लिए कई हद तक हम माओं का या हम पेरेंट्स का काम है, पिता का और माँ का दोनों की बराबर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से जुड़ के रहें, उनसे हर चीज़ पूछें, हर विषय बात करें, क्योंकि याद रख लो बाहर निकला आपका बच्चा बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों से जुड़ेगा तो गलत ही सिखाएगी ना बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया कभी भी अच्छा नहीं सिखाएगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की संगत अच्छी हो तो संगत आपको बनाए रखनी है जितना मैक्सिमम हो सके, फिर एक दिन तो उसे बाहर जाना ही है, पर घर में जब तक बच्चा है, स्कूलिंग स्कूल डेज में जब तक है, स्कूलिंग में है, तो वो स्कूल से घर, घर से स्कूल है अगर उसकी लाइफ, तो उसको इतनी ज़रूरत ही महसूस ना हो कि उसको बाहर की संगति की ज़रूरत पड़े। मैं ये कहना चाहती हूँ बाहर किसी से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन कहने या छुपाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने बच्चे के साथ इस हद तक जुड़ के रखो, क्योंकि मैंने देखे हैं 2 different families जहाँ पर बेटे बड़े भी हो गए, बच्चों के बाप भी बन गए, फिर भी अभी भी उनको हर बात अपनी माँ को बतानी, अपनी जॉब से जुड़ी हुई, अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कि मैं नौकरी के लिए जाता हूँ तो मेरी बीवी को ये परेशानी है या मेरे बच्चे को ये परेशानी है, किससे कहेंगे बच्चे, माँ से तो कहेंगे ना, फिर माँ बाप अपनी समझ से अपने दिमाग से उसका हल निकालते हैं। बहुत से लोगों को देखा है कि भाई जब से नौकरी लगी होगी, जो घर से लड़का बाहर निकला होगा, आज तक उसकी हालचाल से कोई लेना देना नहीं, तो इसी तरह से होता है, फिर वो अंदर ही अंदर भरते हैं, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में, परेशानियां सबके, अच्छा जो जिसका नेचर है ना बताने का,
की जो माँ कहती है शान से कि हमारा बेटा तो हम कभी परेशानी बताता है क्या, कभी कुछ नहीं कहता, तो वो परेशानी ना बताना तो उनके नेचर में बन गया, फिर उनकी बीवियों कैसे पता चल जाता है, क्योंकि बीवियाँ चार बार पूछती हैं। आप किसी भी व्यक्ति से चार बार पूछेंगे तो बताएगा ही, ऐसा तो नॉर्मली ये होता है कि और कैसे हो, तो आदमी क्या कहता है, आप उनसे पूछोगे हेलो कैसे हो अभिलाषा, तुम्हें क्या, भाई हाँ ठीक है, लेकिन कुछ जो अपने करीबी रिश्ते हैं ना वो डायरेक्ट आपसे आँख मिलाते हुए कह देंगे क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें, कभी महसूस किया है? मेरे जीवन में हैं ऐसे रिश्ते, मैं जितना कह दूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खूब हंसती हूँ मुस्कुराती हूँ, लेकिन उन्हें पता है कि इसकी हंसी और खुशी और ये जो चहचहाट है इसके पीछे क्या राज है। तो बहुत से लोग होते हैं जो आपको अपने होते हैं वो बराबर जानते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना मुस्कुरा रहे हैं और कितना ठहाके लगा रहे हैं, उनको पता है कि तकलीफ में है सामने वाला, तो वो सिर्फ अपने ही लोग होते हैं। और ये रिश्ता बना के रखना चाहिए आपको अपनों से कि वो इंसान कितना भी कहे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई परेशानी है, फिर आप चार बार उनसे पूछो तो वो एक बार में ज़रूर बताएंगे। तो बस आज का मेरा सिर्फ यही मैसेज है बेटों के लिए खास, क्योंकि जब हर कोई चाहता हमारा बेटा हो, और बेटा किस लिए हो, समझ गए ना, तो वो किस लिए के लिए एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए बच्चों के कि उनके मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे बेटों की। तो उससे क्या होता है ना, एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं, करीब रहते हैं, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, सबसे पॉइंट की बात, आप बच्चे से बातें छुपाएंगे तो बच्चा आपसे ही सीखेगा और फिर वो भी छुपाएगा, इसलिए हमेशा अपने बच्चे से हर बात बतानी चाहिए, क्योंकि वो आपका घर का सदस्य है, सदस्य मतलब आप समझ लो आपका सब कुछ है आपके बच्चे, तो उनको बातें बताओ अपनी जो भी है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अच्छी चीज़ है, कोई आपके डिसीजंस हैं, आपका घर का कोई भी ऐसा मैटर है तो आप उनसे बोलोगे तो फिर वो भी समझ जाएंगे कि ये एक फैमिली मैटर है या ये एक सिचुएशन ऐसी है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे परिवार से इफ़ेक्ट कर रही है, जुड़ी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आकर के उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा रिश्ता ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के साथ और ऐसा ही और मुझे आज सिर्फ इतना ही जानना है कि आपके बच्चों के साथ, स्पेशली बेटों के साथ, आपके अपने बेटों के साथ आपका रिश्ता कैसा है ये मुझे जानना है। फिर ढेर सारी मम्मियों के रिश्ते के कनेक्शन जब हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे, और फिर हमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो हमारे भी काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।